आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठहर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवकलन करा रहा हूँ। अवकलन के नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैं, इनमें मैं पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। बाई बराबर है 500e7x प्लस 600e-7x। दर्शाना है ये कि दोबारा जब अवकलन करें, माने इसका जब दो बार डिफरेंशिएशन करें तो वो इसके बराबर होना चाहिए, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहली बार करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स। तो हमने लिखा d बाई डी एक्स 500 गुणा 7 हो जाएगा और e7x का e7x ही रहेगा। इसी प्रकार 600 गुणा 7 हो जाएगा और e7x का यही रहेगा। दोबारा करेंगे तो लिखेंगे d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर से 7 आ जाएगा तो 500 हो जाएगा गुणा 7, फिर से गुणा 7 और e7x। इसी प्रकार इधर करेंगे तो 600 गुणा 7 है ही, एक 7 और आएगा और माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। अब ये पूरी लाइन में देखो 49 यहाँ है, 49 यहाँ है, तो 49 हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास बचा 500 ई सेवन एक्स प्लस बचा 600 ई सेवन एक्स, ये 49 आ गया। ये अब हम इधर उतार लेते हैं डी स्क्वायर बाई, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये पूरी लाइन बाई के बराबर है। देखो ये लाइन और ये लाइन एक जैसी है तो इसकी जगह हम बाई लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 बाई, यही हमें दर्शाना था। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर दो देखें। क्वेश्चन नंबर दो है, ई बाई और एक्स प्लस वन बराबर वन है, तो इसको हमें ये लाना है, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पहला मान लेंगे, इसे दूसरा, तो हमने इसे छोड़ दिया, ई वाई को छोड़ दिया और डी एक्स प्लस वन का कर लिया। अब हमने क्या करा, एक्स प्लस वन को छोड़ दिया और ई वाई का कर लिया, इसका तो जीरो हो जाएगा, ई वाई का होगा नहीं और एक्स प्लस वन का ये बन देगा, फिर देगा एक्स प्लस वन, इसका होगा नहीं और इसका हो जाएगा ई वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो हो गया। ये इधर चला गया, ई वाई कैंसिल हो गया, ई वाई कॉमन लेकर जीरो में कैंसिल कर दिया, तो ये बचा हमारे पास डी वाई, या ई वाई को कॉमन ले लो, ई वाई को हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, वन प्लस एक्स प्लस वन और बचेगा भी, क्या बचेगा हमारे पास, देखिए ऐसे करते हैं इसको, इसको लिखते थे एक्स प्लस वन ई बाई डी बाई डी एक्स और इसे इधर ले आते हैं। अब हमने एक्स प्लस वन को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स को छोड़ दिया और ई बाई के नीचे आ गया ये वाला ई बाई, ये कट गया तो माइनस वन आया, डी बाई डी एक्स बराबर आया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। दोबारा कर दिया हमने तो डी स्क्वायर बाई अपॉन, दोबारा अवकलन करा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ऊपर लेगा माइनस वन हो गया, माइनस वन पहले आ गई पावर तो वन हो गया, एक्स प्लस वन की पावर हो गई माइनस दो, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर दो। अब हमने ये लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये जो है वो डी बाई डी एक्स के बराबर है, भाई डी बाई डी एक्स का मान ये है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि डी बाई डी एक्स ही तो है ये, तो ये हो गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूव हो गया आपका। कितना आसान था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला बाई बराबर ये वाला, चलिए अभी बता रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीन है बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बाई बराबर है टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर।
और इसको हल करके ये पूरी लाइन हमें लानी है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, या हम इसको बाई वन भी लिख सकते हैं। तो हमने बाई वन लिख दिया और इसको हम दो पहले आ जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, और इसका करेंगे तो आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाई वन बराबर हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स हो गया। दोबारा करेंगे तो दोबारा कैसे करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाई वन का करेंगे तो बाई टू हो जाएगा। भाई इसको छोड़ा, इसका कर दिया भाई, इसको छोड़ दिया और इसका कर दिया, अब इसे छोड़ा और इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा, चलो लिखते हैं, और इसका करेंगे तो आएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। भाई टू बटे टेन इनवर्स एक्स का ये होता है। अब ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बाई वन, और इसका हो जाएगा टू एक्स बराबर टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्या करें, अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है इसका होल स्क्वायर। तो देखो तिरछी गुणा कर दें तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई टू हो गया, प्लस टू एक्स लाना है तो टू एक्स भी आ गया, देखो ये आ गया टू एक्स। और हमें क्या लाना है, तिरछी गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, और हमें क्या लाना है, ये बाई वन लाना है, आ गया बराबर कितना बचा दो। तो ये आसान था, देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और आपका ये आ गया, बिल्कुल इसी तरह से लिख दे रहे हैं, देखो बिल्कुल इसी तरह से। तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, वन बाद में है, फिर लिख दो होल स्क्वायर, फिर लिख दो बाई टू, फिर लिखो प्लस टू एक्स लाना है तो टू एक्स लिख दो, फिर लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर बाई वन, फिर लिख दो दो। तो देखो पूरी लाइन बिल्कुल सेम छप गई, ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।